नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो जो ये मेरा प्लांट है, ये है लेमन ग्रास का, जिसे नींबू घास भी कहते हैं और कुछ लोग चाय पत्ती के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो पत्तियां हैं उसमें से ना नींबू की हल्की हल्की सी महक आती है, जैसे लेमन की महक होती है वैसी ही इसकी पत्तियों में से महक आती है। प्लांट मेरा लगा हुआ है क्यारी के अंदर, 3 साल से लगा हुआ है। घना इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ही कम मिलती है, केवल 2-3 घंटे की धूप यहाँ पे मिलती है और इस प्लांट को कम से कम चाहिए 4-5 घंटे की धूप। इस वजह से इसके अंदर जो बेबी प्लांट्स हैं ना, वो बहुत कम बने हैं। एक आम घास ऐसा दिखता ज़रूर है, लेकिन इसकी जो औषधीय गुण है ना, वो बहुत सारे हैं। तो इसको आपको गार्डन में तो ऐड करना ही चाहिए, साथ ही साथ अपने डाइट में भी इंक्लूड करना चाहिए। जो सुबह आप, कुछ लोग हैं जो सुबह सुबह जो ना दूध वाली चाय पीते हैं, उसकी जगह आप इसकी ग्रीन टी अगर बना के पीते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। साथ ही जो ग्रीन टी आप मार्केट से भी खरीदते हैं, उसकी जगह आप ये प्लांट अगर अपने घर में ऐड करते हैं और इसकी लीफ का ग्रीन टी बनाते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा आपके हेल्थ पे अच्छा इफ़ेक्ट दिखाएगी। इसके लिए आप कर सकते हैं कि सुबह इसकी एक पत्ती काफ़ी होगी, उसे पानी में उबालें, छानें और गरम गरम गुनगुना, मतलब उसको पी लें खाली पेट, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इससे। और ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है बहुत सारी। तो मैंने इसी में से एक ये प्लांट निकाल के ना छत पे ग्रो किया है, अपनी छत वाली क्यारी में। तो चलिए देखते हैं कैसे ग्रो किया और उसका क्या रिज़ल्ट रहा विद अपडेट। तो आज है 27 फेब और इसको मैंने निकाला है, और इसकी जो जड़ है वो थोड़ी सड़ गई है, रूट रॉट हो रखा है इसमें, तो उतना पार्ट मैंने कट कर दिया। तो इसका अगर रूट रॉट भी हो जाए, मतलब जड़ें अगर सड़ भी जाए ना, तब भी ये नहीं मरता पौधा, क्योंकि ये घास है, ये तभी मरेगा जब तक आप इसको उखाड़ के फेंक नहीं देते। और इसको मैंने अपनी क्यारी में लगा दिया। मिट्टी मेरी बस नॉर्मल सी है और कुछ नहीं है। इसके लिए आप जो है ना रेतीली जो मिट्टी रहती है वो लेते हैं ना, बालू वाली मिट्टी, वो बहुत बढ़िया रहती है। कुछ मत मिलाएं मिट्टी में, बस वेल ड्रेन हो जाए वो पानी, रुके ना गमले के अंदर। अगर पानी रुका भी रहता है तब भी कोई नुकसान नहीं है इसके लिए। ये एक घास है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, मरेगा नहीं। बस जब आप इसको ग्रो कर रहे हैं ना, तब थोड़ा सा पानी का ध्यान रखना है कि पानी तभी दे जब आपको ऊपर की टॉप सॉइल जो है वो ड्राई लगे, क्योंकि जो जड़ें होती हैं ना इसकी, नई जो बन रही होती है, उसको बिल्कुल सूखी वाली नमी चाहिए होती है, जिससे कि मिट्टी जब आप उठाएं ना वो गीली तो रहे बट हाथ में ना लगे। जैसे कि आप ये मेरी मिट्टी देख रहे हैं, ऐसी नमी रहनी चाहिए। तो ये छत की क्यारी में लगाया है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसकी जो लीव्स है वो काफ़ी लंबी जा रही थी, तो मैंने कट कर दी, और इसको फेंकना नहीं है, इसको यूज़ कर लेना है अपनी चाय बनाने। तो ये रहा अपडेट इसका 13th of May का। इतनी इसने ग्रोथ पकड़ी है, काफ़ी स्लो ग्रोथ दिखाई है अभी तक इसने। तो इसी के साथ मैंने एक और लेमन ग्रास ग्रो किया था, बट उसका वीडियो नहीं बनाया था। तो ये दूसरी वैरायटी है लेमन ग्रास की। लेमन ग्रास के अंदर जो है ना 50 वैरायटीज़ ऑफ लेमन ग्रास है। जैसे कि मैंगो की फैमिली बड़ी होती है, उसमें आम्रपाली, दशहरी, सफ़ेदा और पता नहीं कौन कौन से वैरायटीज़ ऑफ मैंगो होते हैं, ऐसे ही लेमन ग्रास की फैमिली में भी बहुत सारे लेमन ग्रास के प्लांट्स हैं। तो जो इसकी ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट रही है। तो मैंने इसको ग्रो किया था फरवरी के मंथ में, यानी कि स्प्रिंग सीजन के टाइम पे। तब बहुत बेस्ट रहता है प्लांट के साथ कुछ भी करे, प्रूनिंग, कटाई, छटाई, ग्रो करना है, कटिंग्स वगैरह, और फुल धूप में रहने दे प्लांट को। और एक है कि रेनी सीजन में भी आप ये चीज़ कर सकते हैं, बट मैं कहूँगी कि फरवरी मार्च जो है उसमें करें, तो आपको रिजल्ट ना बहुत सही मिलता है। क्योंकि मैंने पिछले साल ना काफ़ी ट्राई किया था इसके बेबी प्लांट्स को डिवाइड करने का और इसके प्लांट्स को बनाने का, ताकि मेरे छत पे भी इसके और प्लांट्स हो जाए। नीचे तो अच्छी ग्रोथ दिख नहीं थी क्योंकि धूप कम थी, ऊपर फुल धूप में इसको रखती तो शायद इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती। तो मैंने काफ़ी ट्राई किया, हो नहीं रहा था, लेकिन जो फरवरी मैंने ट्राई किया तो वो वर्क कर गया। और ये है अपडेट 31 मई का, जब धूप जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो तब इसकी जो पत्तियाँ कुछ ऐसी दिखती हैं। और विंटर्स के टाइम पे प्लांट आपको बिल्कुल अनहेल्दी सा दिखेगा, ग्रोथ भी नहीं दिखेगी, मतलब डोरमेंसी पीरियड इसका चल रहा होता है। और ये रिज़ल्ट है जुलाई का। तो इतनी ग्रोथ इन दोनों ने पकड़ ली है, और जो लीव्स हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है और हेल्दी भी है प्लांट जो है। बारिश की वजह से, बारिश का पानी लगते ही जो ये है ना, बहुत अच्छे अच्छे बेबी प्लांट्स भी निकालता है और बहुत अच्छे से डिवाइड होता है, घना भी होता है। तो जो इसकी हाइट है वो 3 फीट से लेकर 6 फीट तक चली जाती है, डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी का है, क्योंकि इसके अंदर 50 टाइप्स ऑफ लेमन ग्रास होते हैं और सब इडेबल है, मतलब यूज़ कर सकते हैं और खा सकते हैं। जो किश्ती वाले गमले में लगा हुआ है, ये काफ़ी जल्दी घना होता है और राइजोम्स बेबी प्लांट काफ़ी जल्दी बनाता है। हाइट इसकी कम रहती है और जो इसकी महक है वो भी थोड़ी कम है।
एज़ कम्पेयर टू जो मेरा ज़मीन वाली क्यारी में लगा हुआ है। लेकिन जो बेनिफिट है ना, वो इन सब में सेम है। इसको आप किसी भी टाइप के गमले में लगा सकते हैं, प्लास्टिक, सेरेमिक, सीमेंट, कुछ भी। और गमले का साइज 10-12 इंच का ले लेंगे तो इनफ है। ज़्यादा गहरा नहीं है गमला, तब भी कोई बात नहीं है। थोड़ा फैलाव में ज़्यादा होना चाहिए, जैसा कि मैंने ले रखा है किश्ती वाले गमले में मैंने ग्रो किया। इसकी चौड़ाई ज़्यादा है क्योंकि इसकी जो रूट्स है वो ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं, बस पतली पतली सी फैलती रहती हैं। और अगर प्लांट आपका रूट बाउंड हो जाता है, एक साल में एक बार ज़रूर उसको निकाल के रूट प्रून कर दें और वापस लगा दें, क्योंकि साल में अगर एक बार इसकी रूट प्रूनिंग हो जाती है ना तो बहुत अच्छे से ग्रोथ दिखाता है। तो इसकी जड़ें अगर टूट जाए, हवा लग जाए, तो बहुत जल्दी अपनी जड़ें बना लेता है, बस पानी का ध्यान रखें तब आप। तो इस पे ना तो कोई पेस्ट अटैक होता है, ना इसको ज़्यादा खाद चाहिए। जहाँ लगा हुआ है बस इसको पानी देते रहो और कुछ मत देखो इसके बारे में। पत्तियाँ तोड़ो और यूज़ करो। अगर मन करता है आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दो आप, महीने में एक बार भी देंगे, नहीं भी देंगे तब भी चलेगा। तो बस इतना ही। आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, या सजेशन है तब भी कमेंट कर सकते हैं। शेयर करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।